नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीजीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुंडावर विधानसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस के परिचित अफसरों को हटाने के लिए शिकायतों का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले दिनों अलवर जिला कलेक्टर व भिवाड़ी एसपी को हटाया गया था। गौरतलब है कि मुंडावर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अखिलेश कौशिक ने ततारपुर थानाधिकारी सीमा सिंसीवार, बता दें कि इनकी शिकायत तो चुनाव आयोग से करते हुए रिटर्निंग अधिकारी प्रियंका बडगुजर को ज्ञापन सौंपकर हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि ततारपुर थानाधिकारी सिंसीवार पार्टी विशेष की कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रही हैं। ऐसी अधिकारी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इनको चुनाव तक जिले से बाहर किया जाए। और साथ ही चेतावनी दी कि अगर शीघ्र नहीं हटाया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। जो कोई भी व्यक्ति विधिक शक्ति में काम करता है, वहाँ विधिक शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो वहाँ स्पष्ट है कि लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहा है और वो किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित अंड्यू बेनिफिट दे रही है। इसलिए हमारा आपसे, आपके माध्यम से जिला निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से निवेदन है कि ऐसे दूषित प्रवृत्ति के अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, उसको यथाशीघ्र दौरान निर्वाचन अन्यत्र लगा दिया जाए या उसको कहीं लाइन हाजिर कर दिया जाए। जी सर, बताए। SHO ततारपुर एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आए दिन शिकायत आ रही है, कभी ततारपुर चौराहे पर जब भी कोई सभ्य आदमी वहाँ रहते हैं तो उनके ऊपर वो पुलिस का डठोरा चलाती है। एक दिन एक शिकायत आई सोरखा कला से कि एक 90 वर्ष की महिला के थप्पड़ मार रही है। तो उसको बार बार हम ये कह रहे थे कि मैडम किसी कार्यकर्ता पार्टी विशेष की कार्यकर्ता मत बनो, आप SHO चुनाव सिर पे हैं। और आज जब मैं खुद आ रहा था तो मेरे से भी उसको जैसे ही पता लगा कि अखिलेश कौशिक ब्लॉक अध्यक्ष जो फ़ोन करता ये है, तो बदतमीजी से गुथा होगी, महिला होने का फायदा ले रही थी। तो हमें निर्वाचन आयोग से ये निवेदन कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के माध्यम से, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद में तो हम हमारी सरकार आ रही है अपने आप ही समझ लेंगे। पर अभी निर्वाचन आयोग से हम कह रहे हैं कि जो पार्टी और चुनाव को यहाँ प्रभावित करेगी, ऐसी SHO को तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता परसों 5 तारीख को हमारे बड़े नेता भंवर जीतेन सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव है आ रहे हैं, उनके सामने फोरम पर रखी जाएगी। जिलाध्यक्ष को अवगत करा दिया गया है, अगर इसको नहीं हटाया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी।